और सिस्टर ओबरन से खुश परबदन और दोस्तों जय यीशु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो आज है 4 अक्टूबर दोस्तों, मेरा पारिस है बासन पारिस और आज मेरे पारिस में मेरा पारिस के स्पेशल पर्व मनाया जा रहा है दोस्तों। तो आज है पल्ली दिवस। तो आज इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोगों के बासन पारिस में बासन पारिस दिवस पल्ली दिवस कैसे मना रहे हैं दोस्तों। ये 4 अक्टूबर को जो हम लोग है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग किस प्रकार से दोस्तों बासन पारिस में पल्ली दिवस पारिस दिवस कैसे मना रहे हैं। हम लोगों का पारिस है संत फ्रांसिस असीसी। तो इस पर्व को हम लोग कैसे धूमधाम से मनाते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है ना शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आएंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को पे सेट कर दीजिएगा। और आप लोगों का पल्ली दिवस कैसे मनाते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ चर्च, वहाँ पर कैसे कैसा क्या क्या प्रोग्राम होता है, कितना भीड़ होता है दोस्तों और कैसे आज का दिन को मनाते हैं। तो आज है बुधवार, तो कैसे कैसे त्यौहार मनाएंगे सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं जो है ना थोड़ा सा लेट हूँ तो इसीलिए हड़बड़ जा रहा हूँ और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आज आप लोगों को पल्ली दिवस कैसे मनाते हैं सब कुछ दिखाऊँगा। आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग का बासन चर्च। तो दोस्तों मैं अपना चर्च पहुँच चुका हूँ और दिखाता हूँ हम लोगों का चर्च। देखिए ये रहा हम लोगों का चर्च। और जो है ना इस सत्र ऐसा हुआ कि बारिश दोस्तों सुबह हल्का हल्का था, इस वजह से जो इस बार का प्रोग्राम हम लोगों का गिरजा के आंगन में हो रहा है, नहीं तो पिछले बार यहीं पे होता था। तो जितना भी आज का मिस्सा पूजा है सब चर्च में ही होगा और बाद बाकी प्रोग्राम हो सके तो बाहर होगा। तो आज देखिए ऐसा है, आज के दिन को बाहर नहीं हो रहा है, चर्च के अंदर ही हो रहा है दोस्तों। और बाहर तक बैठे हुए हैं विश्वासीगण हम लोगों का चर्च। और इधर भैया भी आए हुए हैं। भैया जैसे जय सु। तो अभी चर्च शुरू होगा, लगभग 7 बजे का टाइमिंग है, तो अभी टाइम बचा हुआ है। तो देखते हैं आज मिस्सा पूजा होगा, प्रोग्राम होगा, उसके बाद अगला क्या क्या प्रोग्राम है सब आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग जो है ना बने रहिएगा और हम लोगों का चर्च देखिए क्या ही खूबसूरत लगता है। तो अभी धीरे धीरे जितना भी बासन के विश्वासीगण हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद चर्च शुरू होगा दोस्तों, काफ़ी भीड़ होगा लगता है, देखते हैं कितना भीड़ होगा। तो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल वाले सब इकट्ठा हैं, विद्यार्थी लोग भी आए हुए हैं, विश्वासीगण भी आए हुए हैं मेरे साथ, देखिए अपने भाई लोग भी हैं, ठीक ना। तो चलिए आज का त्यौहार मनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं दोस्तों। नमः एक्सकल आस मेंजस आज आपा आर्ची
बहुत अच्छा से तो अब बच गया है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो देखिए इधर मेरी बहन भी आज पूरी तरीके से आई हुई है। हाय बोल दो। आज इन्हीं के गांव वाले दोस्तों विसर्जन प्रवेश के गांव वाले क्या बोलते हो परिघावा हमारे गांव वाले हाँ मतलब अभी जो प्रोग्राम बच गया है सांस्कृतिक प्रोग्राम तो आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों कैसे कैसे आज के पर्व में सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। तो अभी फादरों को हमारे बिशप साहब परिघा करके लेंगे स्टेज की ओर तो वहाँ पे क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वो आप लोगों को रिपिन लकड़ा ऑफिशियल चैनल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा उसमें आप लोग इंजॉय कीजिएगा दोस्तों। तो अभी जो है ना सांस्कृतिक प्रोग्राम बचा हुआ है तो अभी यहाँ से परिघाते हुए लेते हुए जाएंगे। जैसे ही हमारे अतिथि अपना स्थान ग्रहण करेंगे वैसे ही पहले प्रेयर डांस संस्कृत रुद्र माध्यम क्लासों के विद्यार्थी तैयार रहेंगे। जैसे ही हमारे अतिथि अपना सीट ग्रहण करते हैं वैसे ही यहाँ पे जिसको प्रेयर डांस की जिम्मेदारी दी गई है वे अपने अपने अपनी पूरी तैयारी कर ले। अपने अपने जगह में खड़े हुए सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ को एक दूसरे से टक्कर लगेंगे ताकि कुछ आवाज आए और हम लोगों को अच्छा लगे।
वर्मा साहब हैप्पी फिस्ट डे सर आरी डंडेन मेरा की बहुत बढ़िया लग गया मेरा तो आरी संगे तीनना था ये कुहावला इस्ता तो इस्ता वर्मा साहब नमा कुहा सब वासियों से आदि संगे संगे और साहब ब्रदर और सिस्टर और खुश पर्व और तेंगालिकन आज का दिन वास्तव में कलीसिया के लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़े संत का हम त्योहार मना रहे हैं और संत फ्रांसिस असीसी के नाम को हमारे वर्तमान संत पिता ने धारण किया है। हमारे फादर और सिस्टरों के द्वारा संचालित हो रहा है। पुनः सबों को आज किस दिन के लिए आने के लिए सहयोग करने के लिए सुबना सबों को जय सु बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों आज का पल्ली दिवस आप लोगों ने देखा, बहुत ही हम लोग धूमधाम से मनाए, सब कुछ आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश किया दोस्तों। और इतने सारे विश्वासीगण आए हुए थे, बहुत ही भीड़ था, बहुत ही अच्छा से हुआ। संत फ्रांसिस का पर्व पल्ली दिवस बहुत तगड़ा मनाया दोस्तों, और हो गया सब कुछ और आप लोगों को दिखाया। और उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा बाए तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे साथ सलीम भाई भी है, और अभी जितने भी विश्वासी हैं सब अब धीरे धीरे घर जा रहे हैं। समय दोस्तों 1 बजने वाला है, तो आज का जो इस बार का प्रोग्राम अच्छा ही हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर दीजिएगा। कैसा लगा हम लोगों का पल्ली दिवस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।